नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सावन में ना करें ये नौ काम, शिव जी हो जाते हैं नाराज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में शिव जी की पूजा और अभिषेक करने से जल्दी और कई गुना अधिक लाभ मिलता है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती से जो भी मांगा जाता है वह अवश्य देते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम ऐसी गलती कर देते हैं जिससे भगवान का हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर एक, हल्दी ना चढ़ाएं। सावन में शिव जी की पूजा करते समय हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी को हमेशा जलदारी में ही चढ़ानी चाहिए। नंबर दो, दूध के सेवन से बचें। सावन में व्रतधारी को कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन में मौसम परिवर्तन होता है जिससे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। कभी कभी गायें भैंस घास के साथ उन्हें भी खा जाते हैं, इसीलिए दूध हानिकारक हो जाता है। साथ ही इस समय के दूध के सेवन से बात भी बढ़ता है जिससे बीमार होने का खतरा बना रहता है। नंबर तीन, बैंगन का प्रयोग ना करें। सावन में बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है। सावन के महीने में आने वाले बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध बताया गया है। अगर हम अशुद्ध होकर भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे तो हमें भगवान का कभी आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बुरे विचार क्रोध जैसे नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नंबर चार, बुरे विचार मन में ना आने दें। सावन को लेकर शिव भक्तों में एक अलग उत्साह नजर आता है। इस समय अपने मन में कभी भी बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। इस समय स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। नंबर पाँच, इनका ना करें अपमान। दोस्तों, सावन में ही नहीं कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति माता पिता भाई बहन स्त्री गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस माह में जो भी इन लोगों का अपमान करता है उन्हें शिव जी की कभी कृपा प्राप्त नहीं होती। नंबर छः, सुबह जल्दी उठें। सावन का महीना अध्यात्म का महीना है। इस समय ईश्वर और भक्त के बीच की दूरी कम होती है, इसीलिए इस महीने को सोने में व्यतीत नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सावन में आसपास सकारात्मक माहौल रहता है जिससे आपकी प्रार्थना भगवान शिव तक जल्दी पहुँचती है। नंबर सात, मांस मच्छी शराब से दूर रहें। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व है, इस वजह से इस दिन ही नहीं अपितु कभी भी मांस और शराब के सेवन से बचना चाहिए। जीव हत्या पाप है, इससे ना सिर्फ आपको पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है। अशुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा नहीं होती है। नंबर आठ, घर में रखें साफ सफाई। भगवान शिव और माता पार्वती को घर की सफाई बेहद पसंद है, इसीलिए अपने घर को हमेशा साफ रखें। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इससे भगवान घर में बात नहीं करते। सावन के महीने पूजा करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर नौ, वृक्ष को नहीं काटें। सावन महीने में ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, इससे आपके ग्रह दोषों पर प्रभाव पड़ता है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने ही पेड़ लगाने चाहिए, इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया सावन में ना करें ये नौ काम, शिव जी हो जाते हैं नाराज। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।